हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बी एस नर्सिंग आलोचस इंफॉर्मेशन में तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के बारे में कि आपका डी एम एल टी बी एम एल टी सी एम एल टी का एडमिशन कब होगा यानी एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज हो गए तो दोस्तों हम आ चुके हैं राजस्थान पैरामेडिकल की काउंसिल की मेन वेबसाइट पर तो आप देख लीजिए हम स्क्रोल डाउन कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले रिजल्ट एग्जामिनेशन और एडमिशन तो हम एडमिशन पर क्लिक कर लेते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हो एडमिशन का यहाँ पर नोटिस खुल चुका है बट यहाँ पर देख लीजिए आप रिगार्डिंग एडमिट कार्ड ऑफ रिमांडेड एग्जाम ऑफ सेकंड ईयर सीजन 2017-18, 2016-17 एंड 2015-16 दिसंबर 2021। उसके बाद यहाँ पर टाइम टेबल दे रखा है तो दोस्तों एडमिशन का यहाँ पर अभी तक कोई भी नोटिस रिलीज नहीं हुआ है बहुत से बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि सर एडमिशन कब होगा तो हम आपको बता दें कि पैरामेडिकल के एडमिशन भी बहुत जल्द होने वाले हैं दोस्तों जो पैरामेडिकल काउंसलिंग है वो अपना फॉर्मलेटी जारी करता है इसलिए अब भी इस बार भी लेटी जारी करेगा स्टूडेंट एल में आप देख सकते हो यहाँ पर अभी तक कोई भी नोटिस नहीं आया है यहाँ पर ओनली रिवेल रोटोलिंग एग्जाम वो फर्स्ट ईयर सीजन दो हज़ार मार्च दो तो दोस्तों पहले के यहाँ पर एग्ज़ाम हो रहे हैं यानी जो एग्ज़ाम पहले नहीं हुआ था वो एग्ज़ाम अभी हो रहे हैं और उनका टाइम टेबल रिजल्ट ये सब कुछ जारी कर रहा है इसके बाद ही आपका एडमिशन होगा एडमिशन के लिए जैसे नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको बता देंगे इसी चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको पता चल सके तो दोस्तों आपको पता है कि आपका जो राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल है वो आपका यहाँ पर सोलह कोर्स करवाता है तो ये कोर्स के बारे में फुल वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है अगर वो वीडियो देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पर हमने डाल रखा है यहाँ पर फर्स्ट कोर्स है डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी डी एम एल टी ये कोर्स दो साल का होता है और जिन स्टूडेंट ने ट्वेल्थ क्लास में साइंस या मैथमेटिक्स ले रखा है वो स्टूडेंट इस कोर्स को कर सकता है सभी कोर्स के लिए साइंस और मैथमेटिक्स होना आपके पास ज़रूरी है एक सब्जेक्ट कोई सा भी और जो भी ये कोर्स है ये दो साल के होते हैं और यहाँ पर कोर्स आपको अलग अलग दिए गए हैं जो भी आप कोर्स करना चाहते हो उस कोर्स में आप फॉर्म फिल कर सकते हो तो दोस्तों हमने आपको बता दिया कि राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में अभी तक कोई भी फॉर्म रिलीज नहीं हुआ है जैसे ही रिलीज होगा हम आपको बता देंगे अब हम बात करते हैं आर में बी एस नर्सिंग का काउंसलिंग कब का होगा सेकंड काउंसलिंग और फर्स्ट काउंसलिंग का रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग किस प्रकार से करवाना है क्या 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 डॉक्यूमेंट आपको रिपोर्टिंग एंड जॉइनिंग के लिए बनवा लेने हैं साथ ही हम आपको बताएँगे कि आपका मेन एग्जाम होने वाला है तो उसके लिए पी नोट्स पी बुक्स आपको किस प्रकार से लेने हैं बिल्कुल फ्री तो दोस्तों आप देख सकते हो बी एस नर्सिंग वोस्ट बेसिस बी एस नर्सिंग और एम एस नर्सिंग यहाँ पर हम काउंसलिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं तो हम पहले बी एस नर्सिंग का देख लेते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर एक नोटिस आ रहा है जो कि मेरिट लिस्ट का है और उसके बाद डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर जो फर्स्ट काउंसलिंग हुआ था उसका अलॉटमेंट लेटर आ चुका है अगर अभी तक आपने अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हो और मेरिट लिस्ट भी आप देख सकते हो फर्स्ट काउंसलिंग की और दोस्तों रिपोर्टिंग एंड एंडजोइनिंग के लिए हम आपको डॉक्यूमेंट बता देते हैं तो दोस्तों आपके पास टेंथ क्लास की मार्कशीट ट्वेल्थ क्लास की मार्कशीट जाति प्रमाण पत्र मूल प्रमाण पत्र माइग्रेशन सर्टिफिकेट और अलॉटमेंट लेटर जो कि आपको मिल चुका है जिन स्टूडेंट को फर्स्ट काउंसलिंग में अलॉटमेंट लेटर नहीं मिला है उनको सेकेंड काउंसिलिंग में मिल जाएगा उसके बाद आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है तो आपको किसी भी स्टेनरी की दुकान से या इंटरनेट से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो मेडिकल फिटनेस का और उस फॉर्म पर आपको गवर्नमेंट डॉक्टर के सिग्नेचर करवाने हैं तो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपने जो फॉर्म फिल किया था वो आपके पास होना चाहिए और जब भी आप रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग करवाने जाए तो आपको फ़ीस साथ में लेके जानी है क्योंकि आप रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग करवाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट तो लेंगे ही साथ ही आपकी फ़ीस भी जमा होगी और दोस्तों जो स्टूडेंट रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग में पार्टिसिपेट करेगा यानी रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग करवाएगा वही स्टूडेंट सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है और जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया वो स्टूडेंट सेकेंड काउंसिलिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है फ़र्स्ट काउंसलिंग सेकंड काउंसलिंग थर्ड काउंसलिंग की क्या प्रोसेस है कौन कौन स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं उसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है आप जाकर देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आप देख सकते हो सेकंड काउंसलिंग के यहाँ पर अभी तक तो कोई भी नोटिस नहीं आया है तो जैसे ही सेकंड काउंसलिंग होगा हम आपको बता देंगे हम पोस्ट बेसिस बस नर्सिंग के बारे में देख लेते हैं तो आप देख सकते हो पोस्ट बेसिस बी एस नर्सिंग में भी सेम वही नोटिफिकेशन है जो बी एस नर्सिंग में था तो हम आपको बता दें कि दोस्तों कि बी एस नर्सिंग पोस्ट बेसिस बी एस नर्सिंग और एम एस नर्सिंग सभी का एक साथ आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा और रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग स्टार्ट होगा तो जब भी होगा हम आपको इसी चैनल पर बताएंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके और वो भी सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ले सके और अपना फॉर्म फिल कर सके तो ये तो हमने बात की है काउंसिल्ग के रिगार्डिंग अब हम बात करते हैं बी एस नर्सिंग पोस्ट पेसेस बी एस नर्सिंग मेन एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि बी एस नर्सिंग पोस्ट पेसिस बी एस नर्सिंग के एग्ज़ाम फॉर्म रिलीज हुए थे अभी और आपने फिल कर दिए हो गए अगर अभी तक किसी स्टूडेंट ने फॉर्म फिल नहीं किया है तो वो स्टूडेंट फॉर्म फ़िल कर सकता है छः अप्रैल इसकी लास्ट डेट है तो अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया तो फॉर्म फ़िल कर सकते हो आप और दोस्तों इसका टाइम टेबल भी आ चुका है आपका एग्ज़ाम का तो हम आपको टाइम टेबल दिखा देते हैं उसके बाद आपको एग्ज़ाम की तैयारी किस प्रकार से करनी वो भी हम आपको बताएंगे और दोस्तों आपको ये फॉर्म किस प्रकार से भरना है स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस हमने ऑलरेडी बता रखी है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आप जाकर देख सकते हो तो दोस्तों आप देख सकते हो बी नर्सिंग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर और फर्स्ट बेसिस बी नर्सिंग का यहाँ पर टाइम टेबल आ चुका है जिन स्टूडेंट ने फॉर्म फ़िल किया था उनका एग्ज़ाम आ चुका है बीस अप्रैल से आपका एग्ज़ाम है जो कि सेकंड ईयर का सोशियोलॉजी का है और फर्स्ट बेसिस बी नर्सिंग का नर्सिंग फाउंडेशन और फाइनल का है सोशियोलॉजी आपका बीस अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट है टाइमिंग आपका रहने वाला है बी नर्सिंग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का सुबह नौ बजे से बारह बजे तक और आपका बी नर्सिंग फोर्थ ईयर और फर्स्ट बैसेज बी नर्सिंग का आपका टाइम है एक बजे से चार बजे तक आपका एग्ज़ाम होगा तो कौन सा एग्ज़ाम कब है हमने ऑलरेडी बता रखा है आपको वीडियो में आप वीडियो देख सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टाइम टेबल के बारे में फुल डिटेल हमने आपको बता रखी है आप देख सकते हो किस तारीख को एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी का है फर्स्ट ईयर का और फोर्थ ईयर का है मिडवाइफ्री एंड ऑबेस्ट्रिकल नर्सिंग बाईस अप्रैल को आपका एग्जाम है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का जो कि सेकेंड ईयर का है और उसके बाद फर्स्ट बैच बी वेस् नर्सिंग का है और दोस्तों इसी प्रकार आप देख सकते हो जो थर्ड ईयर का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा वो दो मई से होगा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है और उसके बाद चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पाँच तारीख को होगा और मेंटल हेल्थ नर्सिंग सात तारीख को होगा यानी नौ मई को आपका सभी का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एग्ज़ाम की तैयारी किस प्रकार से करनी है उसके लिए हम आपको पी नोट्स वीडियो बुक्स बता देते हैं तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर बी एस नर्सिंग एम एस नर्सिंग डी एम एल टी बी एम एल टी सी एम टी एम एन एम जी एन एम पैरामेडिकल सभी के यहाँ पर हमने पी डी एफ नोट्स वीडियो बुक्स आपको प्रोवाइड कर रखे हैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाना है उसके बाद आपको फाइल्स पर क्लिक करना है तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने सभी के नोट्स वीडियो बुक्स हमने डाल रखे हैं जो कि आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो इस इसके लिए आपका कोई भी चार्ज लगने वाला नहीं है बिल्कुल फ्री आप डाउनलोड कर सकते हो सभी नोट्स हमने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं जो कि फ़र्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक और एन एम जी सभी के हैं तो आप फ्री में डाउनलोड कर लीजिए इस इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाना है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है साथ ही आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप फेसबुक ग्रुप पर भी ज्वाइन हो जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और दोस्तों इस चैनल पर आपको बी एस नर्सिंग एम एस नर्सिंग पोस्ट बी एस नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी सभी कोर्स के बारे में जानकारी मिलती है जैसे एग्जाम से रिलेटेड फॉर्म से रिलेटेड काउंसलिंग से रिलेटेड ए टू जेड जानकारी आपको इसी चैनल पर मिल जाती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि आने वाले वीडियो आप देख सकें तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने आपको बता दिया कि राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल का अभी तक कोई भी यहाँ पर एडमिशन से रिलेटेड नोटिस नहीं आया है तो जब भी नोटिस आएगा हम आपको बता देंगे उसके बाद हमने आपको बता दिया कि काउंसलिंग कब का होगा आपका तो सेकंड काउंसलिंग का अभी तक कोई भी नोटिस नहीं आया है जब फर्स्ट काउंसलिंग का रिपोर्टिंग एंड जो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका सेकंड काउंसलिंग होगा पोस्ट बी एस नर्सिंग एम एस नर्सिंग और बी एस नर्सिंग का उसके बाद हमने आपको बता दिया कि बी एस नर्सिंग और पोस्ट बी एस नर्सिंग का एग्ज़ाम आपका बीस अप्रैल से चालू है तो एग्ज़ाम के लिए तैयारी किस प्रकार से करनी है उसके लिए हमने आपको पी नोट्स पी बुक्स और मॉडल पेपर बता दिए जो कि बिल्कुल फ्री है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर आप देख सकते हो बिल्कुल फ्री और डाउनलोड भी कर सकते हो इसके अलावा आपका किसी प्रकार का कोई सा भी डाउट हो किसी भी कोर्स से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन हो जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है थैंक यू फॉर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में